नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन का। पोस्ट कोड 739, एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर 2019। ऑलरेडी मैं इस एग्ज़ाम की चार पार्ट बना चुका हूं, हिमाचल जी के, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग एंड करंट अफेयर। और ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिस्ट्री सेक्शन और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में आपके पास एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्निस्टी ये चीज़ें कवर हैं और ज्योग्राफी में आपके पास इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो टोटल इसमें 40 या 44 के आसपास क्वेश्चन हैं, 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपके पास सीरीज रहती है, तो कुछ ही क्वेश्चन जो है वो स्किप हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन सीरीज में दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सीरीज में आते हैं, बट कुछ ही जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग से। तो एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 42, ये जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग सेक्शन के साथ इंक्लूड कर दिया था, है हिस्ट्री का ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, अदुम्बर शासक, अदुम्बर जो शासक थे उनके जो सिक्के थे उसमें किस तरह की आकृति पाई जाती थी। तो ऑप्शन डी, त्रिदंत, त्रिशूल की तरह कुछ चिन्ह उसमें दिखा जाता था। तो ऑप्शन डी, त्रिदंत इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, 102, द टर्म द्रविड इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ, तो जो द्रविड है ये किस समूह को संकेत देता है। तो क्या है, प्रजाति, रेसेस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 103 क्या है, राइस कल्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद विच हड़प्पन साइट, तो चावल की खेती का जो उत्पादन होता था वो हड़प्पा के किस स्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी लोथल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 104 क्या है, स्लेज, स्लेज वॉज यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर स्नो एंड आइस इन द, तो स्लेज का उपयोग करते थे परिवहन के साधन के रूप में जब बर्फ या फिर आपके पास हिम रहता था, तो किसके द्वारा किया जाता था, कौन सी एज में किया जाता था। तो ऑप्शन डी मेसोलिथिक एज इसका करेक्ट आंसर है, मेसोलिथिक युग में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, तो कुछ इस तरह का ये देखने में होता है स्लेज, जिसे स्लेज कहते हैं जिसका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। तो ये तो पिक्चर अभी हाल ही की है, बट मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ कि किस तरह का होता था और कैसे उसको यूज़ किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के 105, विच आर द फ्लोइंग हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग, तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में दूरी समाप्त करने में किसने सहायता दी, ये दी आरण्यक ने, ऑप्शन सी आरण्यक करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन यानी कि परंपरानुसार हाउ मेनी संगम वर हेल्ड, कितने संगम हुए थे। तो 106 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 3 संगम हुए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या, 107, द अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा कम्स फ्रॉम, बौद्ध स्तूप का जो प्राचीनतम अस्तित्व है वो कहाँ पे पाया गया है। तो 107 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये सारनाथ में पाया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 आपके पास क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर हु बिकेम द हेड ऑफ जैन चर्च, तो महावीर की जब मृत्यु होगी तो उसके बाद जैन धर्म के जो प्रमुख कौन बने थे। 108 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भद्रबाहु। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या, 109, टैक्सेस कलेक्टेड इन द मौर्यन पीरियड वेरिड फ्रॉम, तो मौर्य काल में जो संग्रहित कर किया जाता था वो कितना पार्ट होता था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी 1/4 to 1/6, या तो एक चौथाई होता था या फिर 1/6 भाग होता था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 110, कदम्बरी वॉज रिटन बाय, तो कदम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी। 110 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन ए बाणभट्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 111 क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया, तो इन्होंने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। तो 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, टोटल 17 बार, 17 बार किया था।
नेक्स्ट 112 क्या है, हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो चौसा का जब युद्ध हुआ था 1539 में, तो हुमायूं को किसने हराया था, तो ये हराया गया था शेरशाह के द्वारा। तो ऑप्शन ए शेरशाह इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 113, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मराठा आर्मी वॉज, तो मराठा की जो सेना थी उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा था। 113 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी वो थी अश्वारोही कैवलरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 114 क्या है, द सिख लीडर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो जो सिख नेता थे जिनका नाम था बंदा बहादुर को किसके शासनकाल के दौरान बंदी बनाया गया था तथा फांसी पे लटकाया गया था। तो 114 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो उनका नाम था फरुख सियार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फरुख सियार। तो इनके शासनकाल में बंदा बहादुर को बंदी बनाया गया था तथा फांसी पे लटकाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, तो सबसे पहले जो टेलीग्राफ लाइन है वो कब आरंभ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1853 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 क्या है, द प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, तो ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, कोल अपराइजिंग स्टार्टेड इन विच रीजन ऑफ द इंडिया, तो भारत के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 117 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए छोटा नागपुर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 आपके पास गए हैं, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो प्रथम जो भारतीय सिविल सर्वेंट थे उनका नाम क्या था, 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एसएन बनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 119, वेयर डिड गांधी जी विन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस इन इंडिया, तो भारत में गांधी जी ने अपनी प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहां पे सफलता पाई थी, तो 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन सी चंपारण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 120 क्या है, व्हेन वाज द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ट, तो सुपर से जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया था, 120 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस दिन उन्होंने एक बड़ा फेमस नारा दिया था जो काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, जो होता है डू और डाई, करो या फिर मरो का। नेक्स्ट 121 दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, 121 क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल लेबर फेडरेशन वॉज, तो नेशनल लिबरल जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, 121 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 122 के है, द ओवरऑल थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम, तो यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री सेक्शन खत्म हो रहा है और यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहा है जियोग्राफी सेक्शन। तो पहला क्या है, जो आपके पास अर्थ क्रस्ट है यानी भूपर पट्टी है उसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, 122 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 16 से लेके 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट 123 के है, चौक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चौक किस तरह की रॉक चट्टान का उदाहरण है, 123 का ऑप्शन सी ये कार्बोनेट रॉक का उदाहरण, तो ऑप्शन सी कार्बोनेट शेल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 124 आपके पास के है, गंगा डेल्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गंगा डेल्टा किस तरह के डेल्टा का उदाहरण है, 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ये आर्गुएट डेल्टा यानी कि
चपाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इसके नाम से पता लग रहा है आर्कुए डेल्टा का मतलब इस तरह के डेल्टा जिनकी जो शेप होती है वो किस तरह होती है, आर्क की तरह होती है। ठीक है, नाम से पता लगा है आर्क लाइक स्ट्रक्चर डेल्टा आर कॉल्ड एन आर्कुए डेल्टा। तो जो गंगा डेल्टा है वो अभी आपके पास किस तरह के डेल्टा होते हैं, आर्क डेल्टा आर्कुए डेल्टा की तरह दिखते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है जो नील डेल्टा आपके पास है। ठीक है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आर्कुएट डेटा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 क्या है। द टेम्परेट साइक्लोन मूव इन, जो आपके पास टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो मूव करते हैं किस डायरेक्शन में। तो 125 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ईस्टर्ली डायरेक्शन डायरेक्शन में। ठीक है, पूर्वी दिशा में ये मूव करते हैं आपके पास जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 126 क्या है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन हैज द लीस्ट टेम्परेचर रेंज, तो किस प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र है उसमें सबसे लीस्ट यानी न्यूनतम तापमान पारस पाया जाता है। तो 126 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो आपके पास इक्वेटोरियल रीजन होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पास सबसे लीस्ट टेम्परेचर रेंज पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज, तो हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 4000 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के 128। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर ये हाईएस्ट होती है ट्रॉपिक्स पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 129 हाई टाइड्स, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें कहते हैं स्प्रिंग टाइड भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 130 क्या है। हु इज रेफर्ड एज प्रोड्यूसर इन मराइन इकोसिस्टम, यानी समुद्र में किसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी फाइटोप्लैंकटन्स इसका करेक्ट आंसर है। इसे हम रेफर करते हैं एज ए प्रोड्यूसर ऑफ मराइन इकोसिस्टम। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, तो जो फ्लाइटो प्लैंकटोन आपके पास है वो कुछ इस तरह के देखने को होते हैं, और ये आपके पास क्या है माइक्रोस्कोपिक मैराइन एल्गाई है, और ये आपके पास बेस होते हैं जो आपके पास एक्वेटिक फूड है उसका बेस होते हैं। आपके पास जो व्हील होती है, स्निम्स होती है, स्नेल होती है, जेलीफिश होती है, उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। तो इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है आपके पास मैराइन इकोसिस्टम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 131। विच इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इनमें से कौन सा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड नहीं है आपके पास। तो 131 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये सभी है आपके पास, इसमें आपके पास इंक्रीमेशन, कंपोस्टिंग, लैंडफिल साइट, तो ये सभी इसमें इंक्लूड है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 132 क्या है। 132 आपके पास क्या बोलते हैं। द एब्रोगाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्लोजली रिजेंबल, तो ऑस्ट्रेलिया की जो आदम जातियाँ हैं वो निकट रूप से समान है, किसके समान है। तो 132 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निग्रो के, ऑप्शन ए निग्रो के। नेक्स्ट 133 क्या है। विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है। 133 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्यूबा। नेक्स्ट 134। इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन अक्कर इन, तो मानसून क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, किस दौरान पाई जाती है। तो 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए समर में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, जो भी आपके पास मानसून रीजन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 135। द टर्म ऑक्सीडेंटल रिलेट्स टू द कल्चर ऑफ, ऑक्सीडेंटल का मीनिंग क्या होता है। जो आपके पास वेस्टर्न पार्ट है वर्ल्ड का उसे कहते हैं ऑक्सीडेंटल, मेनली आपके पास जो कंट्री है यूरोप और अमेरिका की। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर के पास वो है ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। पिट्सबर्ग इज फेमस फॉर, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग आपका। 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, आयरन ओर और कोल के लिए। तो ऑप्शन सी बोथ इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट 137 द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये है कैनबेरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के 138 है, एट द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि बात कर सकते हैं हिमाचल की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो किस तरह पड़ती है, तो ये पड़ती है तिरछी करके, ठीक है, तो ऑप्शन बी ऑब्लिक इसका करेक्ट आंसर है, तिरछी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास सन है, ये आपकी सन रेज है, तो सन रेज जो डायरेक्टली पड़ती है वो पड़ती है इक्वेटर पे, और बात करें जो हमारे पास नॉर्थन इंडिया है वो इक्वेटर से काफ़ी दूर पड़ता है, ठीक है, जिस वजह से जो हमारे पास जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली ना पड़ के किस तरह से पड़ती है, तिरछी करके पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 139 द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हिमाद्री। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 140 द इंडो गैंगटिक प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो इंडो गैंगटिक प्लेन आपके पास एग्जाम्पल है किस तरह की, ये है डेपोजिशनल प्लेन्स, यानी कि ये डेपोजिशन से फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्स की, जो कैडी होते हैं आपके पास बहुत सारे मीन्स आ सकते हैं, जैसे आपके पास बाय रिवर्स, तो नदियां बहती हैं अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, तो उसकी वजह से ये जो प्लेन है ये फॉर्म होते हैं और काफ़ी फर्टाइल होते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं डेपोजिशनल प्लेन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 141 विच रिवर मेक्स एन एस्टुअरी, तो इनमें से कौन सी नदी है एक जो एक नदी का मुहाना बनाती है, एस्टुअरी मतलब कि जहाँ पे आपका जो रिवर वाटर है वो सी वाटर के साथ मिल जाता है, तो उसे कहते हैं एस्टुअरी, रिवर का फ्रेश वाटर और सी का आपके पास सॉल्टी वाटर, तो इनमें से कोई भी नदी आपके पास एक एस्टुअरी नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया में बात करें तो आपके पास जो मेनली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जिनमें आपके पास नर्मदा पेरियार ताप्ती है, ये कुछ रिवर है जो एस्टुअरी बनाती है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 142 द वेस्टर्न घाट रिसीव विस टाइप ऑफ रेनफॉल, तो किस प्रकार की वर्षा होती है वेस्टर्न घाट पे, तो ये होती है ऑरोग्राफिक यानी कि पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है आपके पास, जो बारिश माउंटेन की वजह से होती है, ठीक है, वो होती है ऑरोग्राफिक। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से, तो ये आपके पास यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे क्या है जो मॉइस्ट एयर है वो आपके पास आ रही है, ठीक है, बट माउंटेन होने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रही है, उसे वहाँ से अपलिफ्ट होना पड़ रहा है। अब माउंटेन की हाइट इतनी ज़्यादा है कि आपके पास जो मॉइस्ट एयर है वो यहीं पे कंडेंस हो रही है, उसे यहीं पे कंडेंस होना पड़ रहा है, जिस वजह से आपके पास जो माउंटेन की वजह से यहीं पे बारिश उसे करानी पड़ रही है, तो ये होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि माउंटेन की हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो आगे नहीं जा पा रही है और वहीं पे कंडेंस होकर बारिश करा रही है, ठीक है, तो उससे कहेंगे ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 143 एलोवियल सॉइल जनरली हैव ए लो कंटेंट ऑफ, तो जो आपके पास जलोढ़ मृदा होती है उसमें किस चीज़ की कमी होती है, 143 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश, तो इन सभी चीज़ों की वहाँ पे कमी रहती है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 144 नाहरकटिया ऑयल रिफाइनरी, तो ये कहाँ पे है, 144 का ऑप्शन सी आसाम इसका करेक्ट आंसर है, तो ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये आपकी पड़ती है आसाम में। नेक्स्ट 145 कोडरमा इज फेमस फॉर, तो कोडरमा आपकी फेमस है माइका माइनिंग के लिए, अभ्रक खनन के लिए, तो ऑप्शन ए माइका माइनिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के 146 जैकवाड़ी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये बना है गोदावरी पे और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है।